नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मौलिक। आप देख रहे हैं टॉपर्स अप एंड गाइस वी हैव फाइनली कंप्लीटेड 14,000 सब्सक्राइबर्स, सो थैंक यू टू एवरीवन। एंड गाइस आई वांटेड टू स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट सो दैट द मेन कंसर्न ऑफ द वीडियो इज क्लियर्ड। सो गाइस योर रिजल्ट डेट्स आर कमिंग एंड द व्यूअर्स ऑफ क्लास 12th देयर इज अ न्यूज़ फॉर यू टू एंड फॉर 10th इट्स ऑब्वियसली फॉर यू टू। सो यार जो भी 10th के हैं जो भी हैं उनका जो रिजल्ट है यार मैं कोई सस्पेंस नहीं क्रिएट कर रहा। कई वीडियोज़ आप देखोगे आने वाला है अब आएगा ये वो। तो गाइज आपका रिजल्ट आएगा दोस्तों 26, 27, 28 इन तीन दिनों के बीच में। इससे लेट नहीं होगा यार, इससे जल्दी नहीं होगा, इन्हीं तीन दिनों के बीच में गारंटेडली आपका रिजल्ट आएगा। और जो भी प्लस टू के व्यूअर्स हैं गाइज आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 21, 22, 23। गाइज ये डेट्स मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डेट्स र्यूमर्ड एंड ऑफिशियल हैं। और जनरली अगर हम पीछे के भी ग्राफ्स देखते हैं तो इन्हीं तीन डेट्स में अगर हम देखें तो रिजल्ट्स आए हैं। एंड आई होप किसी भी ऐसी इस बार भी अपने इसी रिचुअल को मेंटेन रखता है और आपका रिजल्ट इन्हीं दिनों में शो करता है। तो ये डेट्स ज़्यादा बदलेंगी नहीं, इन्हीं डेट्स में आई होप आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आप लोगों को अवेयर करने के लिए था। और आपको रिश्तेदारों के फ़ोन आते होंगे, बेटा रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। तो वो टर्म भी आने वाला है टर्म, तो ये टर्म काफ़ी गलत होगा आपके लिए। आई होप आप लोगों का रिजल्ट अच्छा है। एंड टू कम्फर्ट यू, टू मेक यू हैप्पी एंड टू टेल यू समथिंग गुड एंड इट्स रियल, तो चेकिंग काफ़ी अच्छी की गई है, मतलब अच्छा इन अ सेंस आप लोगों के फेवर में की गई है। तो आई होप आपके मार्क्स अच्छे आए, कि जैसे अगर आप 99 का सोच के आए थे तो आपके 98 नहीं आएंगे, आएंगे आपके 99 ही। इतनी मैं आपको, अगर आपकी सोच ये थी, अगर आप पूरी मेहनत करके गए थे, अगर आप करके गए थे कि बस नंबर आए ठीक है 40-50, तो आई होप आपके ज़्यादा ही आएंगे, कम नहीं आएंगे, क्योंकि चेकिंग अच्छी हुई है और स्टेप मार्किंग हुई है। ऐसा नहीं आपका पूरा क्वेश्चन ही काट दिया गया, क्वेश्चन को देखा गया है और अगर कुछ मार्क्स आपको देने चाहिए तो आपको मिले हैं। तो ये चेकिंग हेल्प करेगी आपके मार्क्स को इंक्रीज करने में। एंड आई होप आप सबका रिजल्ट अच्छा है एंड हमारे टॉपर्स आपकी फैमिली से ही कोई टॉपर निकल जाए। तो आई होप कि ये बहुत ही अच्छा रहे आप लोगों के लिए रिजल्ट। एंड माय विशेज आर विद यू एंड ऑल द बेस्ट गाइस। तो यार वीडियो लेट क्यों आ रही थी, अब कुछ लोग ये भी कमेंट करेंगे, क्योंकि सही बात है 2 वीक्स से वीडियो नहीं आई। और गाइस आपसे ज़्यादा परेशान मैं था यार कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। गाइस आई एम इन प्लस टू नॉन मेडिकल एंड गाइस मुझसे मैनेज नहीं हो रहा था, मैं कोशिश करता था वीडियो बनाऊंगा, बट गाइस मैं आपको बता, मैं 9:30 बजे बेड, मेरे को सिर्फ बेड दिखता था, मैं सोचता था यार आज वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो तो आज बना ही दूंगा कि कल डाल दूँ, नहीं हो रहा था। मैं आता था, मैं सो जाता था और बहुत हेक्टिक चल रहा है यार टाइम। एंड बस एक साल की मेहनत है और बस फिर जो भी आप मेरे जो व्यूअर्स हैं, अगर आप प्लस वन में आए होगे और आप नॉन मेडिकल या मेडिकल स्ट्रीम के हो, या आपने देखा होगा आपकी लाइफ में कितना चेंज आया अगर आप ज़ोर से पढ़े। ऐसे नहीं कि यार बस ठीक है कर लेंगे, अगर आप जेई को एम बना के चल रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे एक अच्छा कॉलेज चाहिए, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेहनत करनी है या कॉलेज के पीछे नहीं, चलो मेहनत ही करनी है कि हमें मार्क्स लेने हैं ये वो, अगर कोई भी ऐसी आपकी सोच है तो गाइस आपने देखा होगा आपकी लाइफ में बहुत चेंज आया होगा। और नॉर्मली भी जो लोग पढ़ रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि काफ़ी नए कंसेप्ट्स हैं, जो 10th की जो हमने पढ़ा है ऐसा लगता है यार वो पढ़ा क्यों था, सब तो यहाँ पे नए हैं। बाकी कॉमर्स और आर्ट्स की फील्ड तो बढ़िया चल रही होगी आप लोगों की, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का भी स्टडी अच्छा चल रहा होगा। और गाइज जो कॉमर्स और आर्ट्स के हैं, गाइज आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी ध्यान दें, क्योंकि वो भी आपके बहुत हेल्प करेंगी जब आप जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाओगे, तो उनका सर्टिफिकेट भी काफ़ी काउंट करता है कॉमर्स और आर्ट्स वाले सेक्टर में। मेडिकल और नॉन मेडिकल वाले सेक्टर में जो भी पढ़ रहे हैं वो थोड़ा स्टडी में ध्यान दें और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करें, क्योंकि प्लस वन इज़ कंसेप्चुअल, तो आपकी प्लस टू सिरा होगी दोस्तों। बिना पढ़े आप बहुत अच्छा कर जाओगे, मैं लिख के दे सकता हूँ। प्लस वन अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो बस, प्लस टू आराम से ऐसे निकले बिना किसी टेंशन में। तो यार वीडियो लेडीज कर रही थी यार, मेरे से मैनेजमेंट नहीं हो रही थी एंड आई एम सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू पोस्ट वीडियोज एज रेगुलर एज आई कैन एंड आई एम सॉरी फॉर इट एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। आई होप यू लाइक द वीडियोज। इसमें कुछ था नहीं यार, डेट्स ही थी, तो डेट्स मैंने आपको बता दी हैं 21, 22, 23 प्लस 2, 26, 27, 28 फॉर 10th।
सो बाय बाय गाइस एंड आई होप यू लाइक द वीडियो. कीप शेयरिंग, प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बाय बाय.